हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो आपको पता होगा इस वीडियो को हम किस बारे में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपके पास अपने एग्ज़ाम के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए 10 मिनट का समय है तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा, वरना फिर दोस्तों इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि लगभग इसमें 10 मिनट का समय आपको लग जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के बारे में, जो आपको एग्ज़ाम देना है अगर, तो उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए यूपी टेट के पेपर वन के बारे में बात करूंगा। आपको पता है यूपी टेट में आपके दो एग्ज़ाम होते हैं, एक तो पेपर वन होता है जो आपका क्लास वन से लेके क्लास फाइव तक के लिए होता है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी लेवल का होता है। इसके अलावा जो एक आपका पेपर होता है वो आपका सेकंड पेपर होता है, ये आपका क्लास सिक्स से लेके क्लास एट तक के लिए होता है, ये जूनियर लेवल का होता है। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो पेपर वन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप लगभग अब आपके पास समय जो भी बचा हुआ है, लगभग 2 से 3 महीने में आप अच्छे से पेपर वन की तैयारी कैसे कर सकते हो। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, आपको कौन सा मटेरियल कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगी जानकारी। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, 100% गारंटी है आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि पेपर वन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं पेपर वन के बारे में हम आगे क्या बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका पेपर वन होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। यूपी टेट के पेपर में दोस्तों आपका पहला या फिर एक जो टॉपिक आता है वो बाल विकास से रिलेटेड एवं शिक्षण विधियों से रिलेटेड आता है, जिसमें आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 नंबर के पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट के साथ जो है आपसे अध्यापक जो अध्यापन वाले मुद्दे होते हैं वो जुड़े रहते हैं, उससे एक दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो बाल विकास है इससे आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 अंक के होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका, वो होता है आपका भाषा से संबंधित, ये आपका अनिवार्य होता है, और ये होती है आपकी हिंदी। मतलब भाषा के दो टॉपिक होते हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड, जिसमें आपका हिंदी जो होता है, भाषा फर्स्ट जो होता है जिसमें आपको हिंदी ही लेनी है, वो आपका अनिवार्य होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको 30 अंक मिलेंगे, हर एक सही क्वेश्चन का एक अंक आपको मिल जाएगा, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे भाषा टू। आप इसमें कोई एक चुन सकते हो, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर उर्दू, इसमें से आप कोई एक चुन सकते हो। अंग्रेजी आप ले सकते हो, अगर आपको हिंदी पढ़ना बहुत अच्छे से आता है तो आप संस्कृत भी चूज़ कर सकते हो, या फिर आपका एक उर्दू भी होता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे, जो भी आपको आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके भी दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 30 अंक आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर, तो एक आपका होता है गणित। गणित जो होता है उसमें भी दोस्तों आपसे 30 क्वेश्चन और 30 अंक आपको मिल जाते हैं। तो ये चार आपके हो गए, ठीक है। और आपका पाँचवा जो होता है वो पर्यावरणीय अध्ययन होता है। इसमें दोस्तों आपको विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछ दिए जाते हैं। इसके भी 30 अंक होते हैं और आपको 30 MCQ पूछे जाते हैं। तो ये आपके 5 टॉपिक हो गए जिसमें आपको 30 प्रश्न हर टॉपिक में पूछे जा रहे हैं, तो 150 प्रश्न आपके हो गए और 150 नंबर आपको जो होता है इसका पूर्णांक होता है। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे अगर आपको पहले नहीं पता हो। फिर हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि आपको ये तैयारी करने के लिए
कितना समय पढ़ना चाहिए, मतलब आप डेली अगर आप 5 टॉपिक कवर करना चाहते हो तो कैसे कवर कर सकते हो, कितना कितना आप पढ़ें, कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना समय देना चाहिए, रिवीजन भी आपका होता चले, रिवीजन ऐसे आप कर लें। फिर सबसे ज़्यादा बड़ी बात आती है, आखिर हम अगर किन किताबों से पढ़ें कि हमारा अच्छा स्कोर आ जाए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, तो इस बात को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन से चैनल से क्या पढ़ना चाहिए, देखिए YouTube में आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपने चैनल पर हर सब्जेक्ट तो आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, तो आपको मैं अपने चैनल के अलावा भी अन्य चैनल बताऊँगा कि आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो, वो बेस्ट चैनल हैं, वो आपको भी पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इन बातों पर आगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैथ्स एक जो होता है मेजर पार्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको सॉलिड नंबर मिलते हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है तो 30 में 30 नहीं तो लगभग 28 या 27 क्वेश्चन आप एग्जैक्ट वहां पे सही करके आ सकते हो और आप नंबर भी पा सकते हो पूरे में पूरे, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि आपको मैथ्स कैसे पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको 2 घंटे डेली मैथ्स पढ़नी है, उसमें 30 मिनट आपको क्या करना है, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, लगाने हैं, आपको आ रहे हैं फिर भी लगाने हैं, नहीं आ रहे हैं तो सॉल्यूशन देख के लगाना है, बट 30 मिनट एक आपको आदत डालनी है कि हाँ हमें 30 मिनट में जो है लगभग 15 से 20 या फिर 10 क्वेश्चन मुझे शुरुआत करनी है और डेली उनको लगाना है। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आप अपने पास रखिए और उस सिलेबस को 1.5 घंटे में कवर करते हुए चलिए एग्ज़ाम तक। जब तक आप अपने सिलेबस को पूरा एक बार नहीं पढ़ लोगे, उसके आपके पास नोट्स नहीं होंगे, तो फिर जो मेहनत आप अभी शुरुआत में करोगे वो एग्ज़ाम टाइम आपका वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको नोट्स बनाते चलने हैं और डेली आपको अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बुक के लिए हम क्या करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दोस्तों होता है प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरी तरीके से ये जान सकते हो कि आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको यूथ कंपटीशन की बुक लेनी है। यूथ कंपटीशन में आपके यूपी टेट के अलावा अन्य बहुत सारे राज्यों के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, उसमें आपको सॉल्यूशन भी दिया गया है। ये जो 30 मिनट प्रैक्टिस के हैं वो आपको इसी बुक से करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक गाइड आती है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की, उसमें 5 के 5 सब्जेक्ट आपको प्राइमरी लेवल की एक आती है और जूनियर लेवल की भी आती है, तो प्राइमरी लेवल में 5 के 5 जो सब्जेक्ट हैं वो आपको अलग से दिए गए हैं और मैथ्स भी उसी से आपको कवर कर लेनी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस जो है वो बिल्कुल सिलेबस के माध्यम हिसाब से आपको उस बुक में दिया गया है, तो वो भी आपको पढ़ लेनी है। साथ में अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हो, अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अगर आ जाए उनको भी करना चाहते हो, तो आपको बड़ी फेमस बुक है RS अग्रवाल की बुक दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, हर टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगा लेने हैं, हर क्वेश्चन नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको नहीं लगाना है, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा उससे पढ़ लेना है। आपके एग्ज़ाम के लेवल से काफ़ी ऊपर है लेकिन क्वेश्चन आपको वहाँ से आसानी से आ जाएंगे अगर आप इस बुक को कवर करते हुए चलते हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम इसको पढ़े कहाँ से। देखिए दोस्तों, मैथ्स की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से मैथ्स को कवर करते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। देखिए, इस बुक की अगर बात मैं कर रहा हूँ तो इस बुक को मैंने आधे से ज़्यादा अपने चैनल पर कवर करा रखा है। यूपी टेट और सुपर टेट के लिए कंप्लीट मैथ सिलेबस की सीरीज मैं स्टार्ट कर रखा हूँ, जिसमें हम लोगों ने क्लास 13 तक कवर कर लिए है, तो आप मेरे चैनल से अपने सिलेबस को भी कवर कर सकते हो। बात आती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपने चैनल पर कराता हूँ। हर 1 से 2 दिन में आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ 10 क्वेश्चंस का, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो 10 क्वेश्चन आपके 10 तरीके के होते हैं, 10 टाइप आपके मैं क्लियर कराता हूँ आपके वीडियो में। तो आप मैथ्स की टेंशन मत लीजिए, अगर आपको लगता है मैथ्स में आप कमज़ोर हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अच्छे से पढ़िए, आपकी मैथ्स में
30 में लगभग 25 प्लस आप नंबर आसानी से ले आओगे। ठीक है, चलिए आगे तक बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए दोस्तों, अगर आप इंग्लिश को चुनते हो या संस्कृत को चुनते हो तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आपको 1.5 घंटे देने हैं, अगर आप संस्कृत सेलेक्ट करते हो तो संस्कृत में भी 1.5 घंटे देने हैं आपको। संस्कृत के लिए भी प्रीवियस क्वेश्चन क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए यूथ कंपटीशन की बुक ले लेनी है, और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी जो आपको 30 मिनट प्रैक्टिस करने हैं और 1 घंटा आपको सिलेबस कवर करना है, तो 30 मिनट जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो यूथ कंपटीशन की बुक से ही करनी है। आपको उसके क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं, समझने हैं, उसका सोल्यूशन जो दिया गया है सब कुछ देखना है एग्ज़ाम तक। बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे, आपको माइंड में सेट हो जाएगा अरे मेरा एग्ज़ाम तो बहुत ईजी आता है। फिर बात करता हूँ दोस्तों कि आप अपने सिलेबस को कैसे कवर करो। सबसे पहली बात तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, मैं सिलेबस की हर पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस अपने चैनल पर आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसके लिए आप एक बुक ले लीजिए, एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो बुक, नीतू मैम की बुक है वॉल्यूम 1। अगर आप इसको ले लेते हो और एग्ज़ाम तक अच्छे से इसको पढ़ लेते हो, ठीक है, इसमें आपको वोकैब भी बहुत कुछ दी गई हैं, साथ में वोकैब आपको यहाँ से मिल जाएंगी प्रीवियस क्वेश्चन की करने से। बाकी वोकैब की कोई जो है आप सीमा नहीं है, कितनी भी पढ़ लीजिए, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो या फिर बहुत सारे चैनल हैं उनसे भी पढ़ सकते हो। तो मेरा मानना है कि 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है यूथ कंपटीशन की बुक से, और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक को आपको कवर करना है। ठीक है, चलिए फिर बात कर लेते हैं EVS की। देखिए दोस्तों, EVS में आपको 1.5 घंटे देने हैं, EVS में 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने दोस्तों अपने चैनल पर 1000 MCQ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने लगभग 270-275 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। सब कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चन या फिर आपके सिलेबस से संबंधित क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर पूरी डिटेल के साथ करा रहा हूँ, तो आप वहाँ सहारा लीजिए, उसका सहारा लीजिए, वहाँ से अपने क्वेश्चंस कवर करिए। अब बात करता हूँ 1 घंटे सिलेबस की। देखिए इसमें आपको विज्ञान भी पढ़नी है, भूगोल भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ आपको सारी की सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी और करा दी भी गई हैं। सब कुछ आपको मिल जाएगा, साइंस भी मिल जाएगी, भूगोल भी मिल जाएगी, पॉलिटी भी मिल जाएगी, हर कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप प्रसून की पाठशाला नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा EVS के जो मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ MCQ के, वो कवर कर लीजिए। पर्यावरण से संबंधित कल ही मैंने अपने चैनल पर एक बेस्ट PDF प्रोवाइड कराई थी, बहुत ही 4-5 MB की वो PDF है, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से आप उसको देख लीजिए, उससे अपने नोट्स आप धीरे धीरे बनाते रहिए। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं हिंदी की। दोस्तों हिंदी में भी आपको लगभग 1.5 घंटे का समय देना है अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देना चाहते हो। अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तो इसका मतलब है आप इतना समय तो पढ़ाई के लिए दे ही सकते हो। 30 मिनट दोस्तों आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेनी है, 1 घंटा आपको अपना सिलेबस कवर करते हुए चलना है। सिलेबस कवर करने के लिए अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, अच्छी बुक है, थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक हैं लेकिन आप उससे कवर करिए। उसमें आपको याद करने वाला और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको आप पढ़ लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, उसके लिए आपको यूथ कंपटीशन की बुक ले लेनी है। ठीक है, अगर नहीं है ये सारी बुक तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, मैं जल्द ही सारी की सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों आपका जो अगला जो टॉपिक है वो है दोस्तों CDP। CDP आपको पता है कि जो आपका बाल विकास है उसके लिए भी आपको लगभग इतने ही घंटे का समय देना है, एक अलग सा टॉपिक है। अगर आपने DLED और BEd में अच्छे से पढ़ा है तो आपको उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। साथ में मैं इसके लिए दोस्तों आपको यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक लेने को कहूँगा, प्रीवियस क्वेश्चन आप उसको करिए, उसको समझिए, वहाँ से सब कुछ दिया गया है उसमें। साथ में लेट्स लर्न नाम का एक फेमस चैनल आपको पता ही होगा, इसका नाम लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, काफ़ी फेमस चैनल है हिमांशी मैम का, वहाँ से आप जो है बाल विकास पढ़ लीजिए। उनसे अच्छा नहीं पता है मुझे कौन पढ़ाता है, लेकिन वो जो पढ़ाती हैं वो बेस्ट पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं।
उनकी पढ़ाई को पसंद करते हैं और एक बेस्ट टीचर हैं वो, तो आप यहाँ से इसका सहारा लीजिए, आप यहाँ से अपनी तैयारी करिए, उनके वीडियोस से अपने नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम तक नोट्स बनाइए और उसको क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए ये 30 मिनट जो प्रैक्टिस मैं बोलता हूँ वो आपका रिवीजन का भी समय है। डेली आप नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक दिन प्रैक्टिस कर लो, एक दिन जो आप पढ़ते हो उसको 30 मिनट आपको रिवीजन करते चलना है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये पांचों के पांचों टॉपिक आपको बताए, तैयारी आपको कैसे करनी है, लगभग कितना पढ़ना है, कहाँ से तैयारी करनी है, मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको PDF हेल्प प्रोवाइड करा दूंगा। अपने चैनल पर जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको पढ़ते रहिए, मैथ्स, EBS, साइंस, इससे संबंधित मैं आपको MCQ कराता रहता हूँ, तो आप उनको भी आप देखते रहिए। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको ज़रूर जुड़ जाना है, वहाँ पे आपको मैथ्स का डेली एक प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन का मिलेगा जिसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है और वीडियो सॉल्यूशन देखना है अगर कोई क्वेश्चन वहाँ पे आपको नहीं आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो 1 से 2 दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा जैसे उनको भी ये जानकारी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।